कहीं ना कहीं इसका ओवर यूज़ जो है वो बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं फ़ोन से और बाहर सोशल लाइफ उनकी कम होती है, लोगों को बच्चों को लोगों से डील करना नहीं आता। आज की तारीख में 9-10 महीने के बच्चे के सामने भी मोबाइल आता है तो खिलौने बाजू में रख के मोबाइल को हाथ लगाता है। आई एम अ टीचर सो आई नो इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी वन टू कंट्रोल चिल्ड्रन, बट फर्स्ट द पेरेंट्स शुड बी एडुकेटेड। हर एक चीज लॉ पे छोड़ देंगे तो लॉ के लिए बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। फॉर एवरीथिंग अ लॉ कैन नॉट बी मेड एंड यू कांट बी डिपेंडेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग ऑन द गवर्नमेंट। दे हैव टू गिव क्वालिटी टाइम टू द चिल्ड्रन। वंस दे गिव क्वालिटी टाइम टू द चिल्ड्रन, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसा लॉ होना चाहिए टू सर्टेन एक्सटेंट, पूरी तरह नहीं। सरकार कितना आपको लॉ बनाएगी यार, चलने के लिए लॉ, काम करने के लिए, फोन देखने के लिए। इस सो वी आर मेकिंग डिफिकल्ट लॉ फॉर द गवर्नमेंट। आज की तारीख में 9-10 महीने के बच्चे के सामने भी मोबाइल आता है तो खिलौने बाजू में रख के मोबाइल को हाथ लगाता है। इसमें हाईकोर्ट एनफोर्स कर नहीं सकता है। This is not in the public domain. It is in the household. Only the elders and parents can make them understand that this is bad for not only health and economic wise also. But देखो ये तो काल का है, कलयुग आ रहा है धीरे धीरे, इसको आप रोक नहीं सकते पर इसको आप स्लो कर सकते हो। इवन मैं भी, मेरा भी ड्रीम है कि मैं अच्छी इन्फ्लुएंसर बनूं, तो फोन होना बहुत जरूरी है ये सब चीज के लिए। हाई कोर्ट के जज ने भी कुछ सोच समझ के ही बोला है। इस पर लॉ से ज्यादा कहीं ज्यादा बड़ा रोल पेरेंट्स और बच्चों का खुद का है। पर्टिकुलर घूमने का समय है और पर्टिकुलर खेलने का समय, वैसे ही आप पर्टिकुलर समय फिक्स कर दीजिए बच्चों के लिए, भाई आप आधी घंटा मोबाइल देखिए और आधी घंटा टीवी देखिए, ऐसा मेरा सूचना है। दैट शुड बी म्यूचुअल कमिंग फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ दैट एज। इन स्पाइट ऑफ पुटिंग अ लॉ ऑन देम, इट शुड बी इन देयर अपब्रिंगिंग बाय देयर पेरेंट्स एंड बाय देयर टीचर्स। वो एडिक्शन इसीलिए कि उनका टाइम फिक्स नहीं है। आप उनको आधी घंटा मोबाइल दे दीजिए, जिससे उनका नॉलेज भी बढ़े, मोबाइल से क्या क्या सीखने को मिलता है वो भी वो देख सकें, और वो आधी घंटा है उनके पास, जो करना है वो उसे कर सकते हैं। आई थिंक इट इज गोना बी अ कास्केडिंग इफेक्ट ऑन द नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज ऑफ दिस। पीपल डोंट रियलाइज राइट नाउ, बट दोज हु हैव किड्स एंड दोज हु आर रियली ऑनलाइन फॉर अ लेंथी पीरियड इज रियली अ बेन ऑन देयर फ्यूचर। पहले के टाइम में जो आउटडोर एक्टिविटीज थी, जिसके कारण बच्चों को और ये लोग मोबाइल्स के काफ़ी दूर थे, तो वो एक्टिविटीज़ को वापस हमको प्रमोट करना चाहिए। आई एम अ टीचर सो आई नो इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी वन टू कंट्रोल चिल्ड्रन, बट फर्स्ट द पेरेंट्स शुड बी एडुकेटेड दैट दे शुड नॉट अलाउ चिल्ड्रन विद फोन, बिकॉज उनको जब व्हेन दे वांट देयर फ्रीडम ना, दे जस्ट गिव द फोन टू द चाइल्ड। सो इफ द पेरेंट्स आर एडुकेटेड, they will definitely not give, because all the time their children are touching and all toxin is going in the body. ha law or restrictions hona chahiye unki age ke hisab se, jab tak wo 18 years ka nahi hote there are certain things jo unko dekhni chahiye aur jo nahi dekhni chahiye. see law is a bit difficult to pass because you cannot control every individual, you have to love yourself. जिस दिन आप अपने से प्यार करने लगेंगे, आप अपने देश से प्यार करने लगेंगे, अपने बच्चों से प्यार करेंगे, अपने बच्चों से प्यार करेंगे, तो आप वो करेंगे नहीं, वो एहसास, दैट फीलिंग, द कॉन्शियसनेस यू हैव टू पुट इन द माइंड ऑफ द पेरेंट्स। एज लिमिट एटलीस्ट 15-16 तो होनी चाहिए। कायदा बनाया तो 18 की तो आज कोई एज लिमिट नहीं है। आज 15-16 साल के बच्चे भी 20 और 25 साल के लोगों को जितना जानते हैं, समझेगी नहीं। तो कायदा आप बता रहे हो कि 18 तो बहुत भैया हो गया, एक 12-13 साल 14 साल तक का कायदा लगा दो, देट इज़ बेटर। आगे जाओगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, ऐसा है। माय ग्रैंड डॉटर का जो फ़ोन है वो पेरेंटल लॉक पे है एंड शी इज़ जस्ट टर्न 15। तो ऐसे ही माँ बाप को बच्चों को बताना चाहिए कि तुमको क्या देखना चाहिए क्या नहीं। हाउ कैन अ गवर्नमेंट और अ हाई कोर्ट जज एनफोर्स दिस लॉ? आई थिंक कि मतलब अगर एक एज रेस्ट्रिक्शन लग जाए कि ऐप्स पे, तो मतलब और उन्हें समझे कि इट्स नॉट 18+ और एनीथिंग, देन उनको बच्चों को वो कंटेंट नहीं दिखेगा और वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक इट कैन हेल्प देम, और उन्हें जो नई चीज़ें देखनी चाहिए वो लोग नहीं देखेंगे। वैन यू आर पुटिंग अ बैन ऑन समथिंग, देर आर टू थिंग्स। वन इज इट कैन एक्चुअली इनक्रीज क्यूरियोसिटी इन देम, एंड देन दैट बैन कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। द गेमिंग ऐप एंड ऑल हैव रियली हाई एडिक्शन लेवल्स एंड दैट्स वेरी थ्रेटनिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। पढ़ाई का और करियर का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि वो अगर अकेले रहते हैं तो उससे वो लोग उसको एज अ
बचने के लिए, उस सब चीज़ों के प्रेशर से बचने के लिए लोग फ़ोन्स का और इन सब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपस में फ्रेंड्स एक दूसरे को घर में बुलाते हैं, और जब पेरेंट्स नहीं होते तो वो चुपके चुपके ऐसी चीज़ें भी देखते हैं। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट व्हेन यू आर टेलिंग देम नॉट टू डू, टेल देम व्हाई नॉट टू डू। द पेरेंट्स कैन टॉक टू देम एंड फाइंड आउट सम अदर सॉल्यूशन, इट विल बी बेटर इंस्टेड ऑफ एक्टिंग ऑन अ स्टिक एंड पुटिंग देम डाउन लाइक दैट। इट्स नॉट एडवाइजेबल टू डू दैट। जैसे आंखों के डिब्बिया में निंदिया और निंदियों में मीठा सा सपना, और सपनों में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की प्यारी, जैसे बिन मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। जो आशा Yeah.